नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और इस टाइम लाइव हो चुके हैं आप वायरल हरियाणा के साथ। मैं आपको बता दूं कि रक्षक ही बना भक्षक। जी हां, चौकीदार ने रात को जो है एक व्यक्ति को जो है टांग पर गोली मार दी। जी हां, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, दिल दहला देने वाला यह मामला। और बताया जा रहा है कि छोटी सी नोक झोंक के कारण, जो चौकीदार बताया जा रहा है कि वो ड्रिंक कर रहा था दो तीन जनों के साथ मिलकर, उसमें उसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, मौजूद होता है और वो उसको कहता है कि आपकी काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं, आप जो है यहाँ पर ड्रिंक स्मोकिंग करते हैं, जिसके बाद जो है चौकीदार और उस व्यक्ति की बहस हो जाती है। जो व्यक्ति के साथ जो बताया जा रहा है, मैं आपको लाइव स्क्रीन पर दिखा दूं, वो छोटा सा बच्चा, जी हाँ छोटा सा बच्चा था। और उसके बाद जो है वो कहता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो सही नहीं होगा, जिसके बाद जो है वो व्यक्ति अपने घर आता है और अपने बच्चे को छोड़कर अपनी माँ को कहता है कि मैं 2 मिनट के अंदर घर आ रहा हूँ, तुम मेरा खाना लगा दो। और इतने में वो वहाँ पर जाता है, कहाँ सुनी होती है। और इसमें जो है चौकीदार, जी हाँ चौकीदार जो है उस व्यक्ति को गोली मार देता है। जी हाँ, गोली मार देता है, टांग पर गोली लगी है। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है यहीं पर मौजूद है और आप देख सकते हैं काफ़ी बुरी हालत हुई पड़ी है, काफ़ी नाजुक हालत जो है उस व्यक्ति की हुई पड़ी है, जिसके बाद जो है उसको सिविल अस्पताल में लाया गया, गोली वहीं पर निकाल दी गई। उसके बावजूद जो है उसकी व्यक्ति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद जो है उसको रोहतक रेफर कर दिया गया। उनकी जो है माता जी यहाँ पर मौजूद है, कब वो आए थे और कब जो उनको कह कर गए थे, इनसे पूरा मामला जान लेते हैं। 11 बजे मेरा बच्चा मेरे घर आया, उसने रोटी नहीं खाई, अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गया, घुमाते हुए आया तो वो परेशान था, मेरा छोटा पोता रो रहा था, अंदर ले आया। मैं कहा क्या बात हो गई है, कहता कुछ नहीं, इसको मैंने गोदी में लिया, अपने पास लिटा लिया। तो मेरा लड़का दीपक बोला, कहने लगा कि मम्मी मैं 2 मिनट में आया, मेरी रोटी डाल के रखो। गया, 2.5 मिनट के बाद फोन आ गया, मम्मी मेरे को बचा लो, मेरे को चौकीदार ने गोली मारी है, मम्मी मेरे को बचा लो, चौकीदार ने गोली मारी है। मैं नंगी पैरी भागती हुई गई, वहाँ देखा कोई भी नहीं था, मेरा बच्चा अकेला सड़क के ऊपर तड़फ रहा था, ऐसे जैसे मच्छी तड़फती है। 5 मिनट मैं वहाँ देखती रही, इधर उधर इधर उधर, फिर मेरे गली वाले लड़के मेरे पीछे, 2 भागे हैं, जिसने भी आवाज़ सुनी है वो भागे हैं। अचानक पीछे से कोई टेम्पू वाला आया, मैंने कहा मेरे बच्चे को उठाओ और अस्पताल में पहुँचाओ। उस दोनों, वो भला मानस था टेम्पू वाला, उसने खुद साथ मेरे हेल्प करी है, हेल्प करके उसने डाल के मेरे को हॉस्पिटल छोड़ के आया। भगवान का शुक्र है मेरा ये 3 साल का पोता। नहीं, मैं उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, वो कौन है कौन नहीं है, कभी हम घर से बाहर निकले नहीं है। आपके पोते वगैरह ने कुछ नहीं बताया जब आया? ये है बच्चा, रोता हुआ है, छोटा सा 3 साल का बच्चा क्या बताएगा। तो अब चौकीदार था वो? चौकीदार है। कितने दिनों से यहाँ पर चौकीदार? ये नहीं पता कब करा रहा है, पुराना। आपको कैसे पता चला कि उसको गोली लगी? लड़के ने फोन किया मेरे को, मम्मी मेरे को बचा लो, चौकीदार ने गोली मार दी है, मम्मी मेरे को बचा लो। माँ हूँ प्रकाश निवा, भागती हुई गई। कहाँ पे, मतलब टांग वगैरह पे, कहाँ पे गोली? यहाँ लगी है इस पे, मतलब 70 पे। हाँ, आर पार होगी ये गोली। तो अब कहाँ पर लेके गए हैं? तो सिविल में लेके गए हैं, उन्होंने जाते ही हमारे को लिया, गोली निकाल दी है, गोली निकाल के उन्होंने फिर रोहतक रेफर कर दिया है। साथ जाने वाला कोई नहीं, मेरा आदमी नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बस वही है अकेले, बस वही है, किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है दिहाड़ी। अब हालत कैसी है? अब वो तो रोहतक है, मैं यहाँ बैठी हूँ। बात वगैरह हो रही है किससे? हाँ बात हो रही है, मेरी बड़ी लड़की है उसके पास, छोटी लड़की है। तो फिर अब हालत कैसी बता रहे हैं? अब कह रहे हैं डॉक्टर ने पट्टी करके अंदर से उसको बाहर निकाला, अब उसको टीका लगाया तो वो सो गया। चौकीदार पकड़े गए? चौकीदार, हाँ मेरे को नहीं पता, लेकिन जो गली वाले जिन्होंने मेरी हेल्प करी है वो कह रहे हैं कि पकड़ा गया और वो थाने में है। क्या चाहते हो, कार्रवाई की जाए उस पर सख्ती से? मैं ये चाहती हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, 50 साल मेरी शादी को होने वाले, आज तक कभी किसी से मेरा कोई कुछ नहीं, किसी के साथ भी ना, कभी किसी। न्याय होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी बहू ढीली मट्टी है, प्रेग्नेंट है, ये बच्चे कमाने वाला कोई नहीं, मैं आप मरीज हूँ। यही पता लगा था सर, हम तो अपना घर थे,
तो दीपक जिसको गोली लगी है उसकी मम्मी गली से शोर डालते जा रहे थे कि गोली लग गई है लड़के को। हम पीछे जितने देर में गया तो आंटी उसको लड़के को लेके टेम्पो में बिठा के जा चुके थे। वहाँ मौके पे खून सारा पड़ा था, उस टाइम चौकीदार राम मंदिर की गली से बिल्कुल भाग गया था वो। चौकीदार कितने दिन से चौकीदारा कर रहे हैं? चौकीदार बहुत काफ़ी टाइम से इसी एरिया में है। काफ़ी दिन से? हाँ जी। पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है? नहीं सर पहले। बाकी ये है सर, उस चौकीदार के नज़दीक रात को कोई ना कोई बैठे रहते हैं, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई नशा। चौकीदार भी उस टाइम करता है नशा, रात को नशे में ही था तो पकड़ा गया वो। हाँ पकड़ा गया, रात को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया था दिल्ली जूस कॉर्नर वाले के बाहर। कैसे फ़ोन करा था 112 पे? 112 पे फ़ोन करा था लड़के ने खुद। PCR हमें आ गई थी सर, हम जैसे पीछे गए हमें दिल्ली जूस कॉर्नर के बाहर मिल गया था चौकीदार। हमने PCR रुकवा के हमने कहा ऐसे ऐसे सर वारदात हुई है, उन्होंने उसको मौके पे वहीं पकड़ लिया था। कौन सी जगह पे गोली मारी थी उनको? गोली ये राम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक। ठीक है।